ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सभी दर्शकों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष की वसुंधरा अनेक प्रकार की दिव्य और चमत्कारिक जड़ी बूटियों से भरी हुई है। ये वनस्पतियाँ और पेड़ पौधे चमत्कारिक और दिव्य गुणों से भरपूर होते हैं। प्रसिद्ध तंत्र ग्रंथ काकचंडेश्वरी तंत्र ग्रंथ में ऐसी 64 प्रकार की दिव्य औषधियों का वर्णन किया गया है, जो अलौकिक और दिव्य चमत्कारिक शक्तियों से भरपूर होती है। अगर आपने इसे जान लिया तो मान लीजिए कि कभी भी जीवन में असफल नहीं होंगे, हर बीमारियां दूर होगी और स्वस्थ जीवन निर्वाह कर पाओगे। दर्शक मित्रों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल घंटा दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, जब तक आपके घर की तिजोरी में यह दिव्य और चमत्कारी वनस्पति की जड़ रहेगी, तब तक कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। घर का वास्तु दोष हो, नेगेटिव ऊर्जा का असर हो या किसी ने जादू टोना किया हो, सब कुछ होगा दूर। धन की हानि नहीं होगी और परिवार में कोई बीमार नहीं रहेगा। दोस्तों, यह एक ऐसी चमत्कारिक बूटी की जड़ है जो आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी ने देखा है, लेकिन कभी भी इसका प्रयोग करके नहीं देखा, अजमाया नहीं है, इसका उपयोग आपने कभी भी नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तब उसके साथ ही ऐसी दिव्य चीज़ों का निर्माण भी हुआ। दोस्तों, आज हम जो आपको उपाय बताएंगे, ये आपको तभी करना है कि जब आप किसी मुसीबत में फंस गए हो, पैसों की तकलीफ हो रही हो, घर में कठिनाई बढ़ रही हो और कोई रास्ता सूझ न रहा हो, उसी वक्त ये उपाय करना है, बाकी ये उपाय नहीं करना है। ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में परेशानियों का दौर भी खत्म होगा, पैसों की कमी नहीं होगी और जो भी आप रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें तरक्की होगी, आपके जीवन के सारे दोष दूर होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं ये बहुत सात्विक और पवित्र है, इसलिए इस उपाय को करने से पहले घर की साफ सफाई करना अति आवश्यक है। इसके साथ ही मन और शरीर से भी खुद को साफ रखना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। जिस दिन भी आप ये उपाय करें उस दिन आपको व्रत रखना पड़ेगा, पूरी श्रद्धा के साथ निर्जला उपवास करें। अगर आप निर्जला उपवास न कर सके तो उस दिन कुछ भी खाना नहीं है। व्रत रखने से पहले अगले दिन भी आपको सात्विक भोजन ही करना पड़ेगा। ये व्रत किसी भी दिन आप कर सकते हैं, एकादशी हो, पूर्णिमा हो या अमावस्या का दिन हो, उसमें दिन देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त गुरुवार हो या शुक्रवार के दिन भी आप ये व्रत कर सकते हैं, क्योंकि गुरुवार भगवान विष्णु जी का वार है और माता लक्ष्मी का शुक्रवार होता है। जिस दिन भी आप ये व्रत को करें उस दिन सुबह उठें और नहाने वाले पानी में थोड़ा गंगा जल डाल दें, उसके बाद उस पानी से आप स्नान करें तो ये स्नान आपका गंगा स्नान के बराबर होगा। नहाने के बाद आपको पीले वस्त्र पहनने हैं। दोस्तों, इस व्रत को करने से पहले आपको अगले दिन एक दिव्य चीज़ को लानी है, वो है तुलसी की जड़। सूखी तुलसी की जड़ आपको लानी है, जो तुलसी हरी हो उसकी जड़ नहीं लेनी है। अपने आप जो तुलसी सूख जाती है वो आपको ध्यान करना है कहाँ पर है। अगर आपके घर के आसपास में हो या घर के आंगन में अपनी तुलसी हो, वो सूख जाती है तो उसकी जड़ को आपको रख लेना है, या आसपास में कहीं भी आपको दिखी हो कि इस जगह पर सूखी हुई तुलसी है तो उसको पहले लाए, स्वच्छ पानी से धोए, गंगा जल से धोए और फिर उसका उपयोग इस विधि में करना है। दोस्तों, सूखी हुई तुलसी भी हरी तुलसी के बराबर ही पवित्र होती है। तुलसी जब सूख जाती है तब उसमें अलौकिक शक्ति का वास होता है। अब आपको पूजा स्थान में जाना है और भगवान लक्ष्मी नारायण का फोटो सामने रखना है। अब आपको भगवान के सामने गाय के शुद्ध घी का एक दीपक जलाना है और धूप दीप से वातावरण को पवित्र बनाना है। अब पवित्र तुलसी की जड़ों को भगवान के सामने रखें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद गूगल का धूप करें और इसकी धुनी इस पवित्र तुलसी की जड़ों को दे। इसके बाद भगवान को प्रसाद का भोग लगाए और आरती करें। इसके बाद आप भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने बैठे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और जो भी अपने दुख दर्द है, जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है, सब भगवान के आगे रखें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत दयालु है, एक बार इनकी कृपा आप पर हो गई तो फिर जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जो ये पवित्र तुलसी की जड़ें भगवान के मंत्रों के द्वारा आपने सिद्ध कर ली है, उस पर
तीन कुमकुम के तिलक करे और ओम महालक्ष्मी नमः ओम महालक्ष्मी नमः ओम महालक्ष्मी नमः तीन बार बोलना है। इसके बाद शुद्ध चंदन को गंगाजल के साथ मिलाकर लेप बनाए और उसका तिलक पवित्र तुलसी के मूल को करे और ओम भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र बोले। तीन बार मंत्र बोले और तीन बार ही मंत्र के साथ तिलक करे। पवित्र तुलसी की मूल अब सिद्ध हो चुकी है। इसे लाल रंग के या पीले रंग के वस्त्र में पहले लपेट ले और ऊपर कलावा बांधने में जो लाल डोरी का उपयोग करते हैं सूती धागे की, उसको ऊपर से बांध दे। अब आपको इसी स्थान पूजा स्थान में ही उसे रहने देना है। ध्यान रहे दिया पूरी रात जलता रहे। दूसरे दिन सूर्योदय के साथ ही अपना व्रत तोड़े और ये जो सिद्ध हुई तुलसी की मूल है उसको अपने हाथों से अपने घर की तिजोरी में रख दे। दोस्तों, जो कोई व्यक्ति इस प्रकार से पूरी विधि विधान के साथ उपाय करके तुलसी की मूल को सिद्ध करके अपनी तिजोरी में रखते हैं, उन पर भगवान की कृपा लक्ष्मी नारायण की कृपा हमेशा बनी रहती है। तिजोरी में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। घर का वास्तु दोष दूर होता है। किसी ने अगर आप पर कोई काला जादू किया है वो भी खत्म हो जाता है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा नहीं रह पाती। इस चमत्कारिक मूल के प्रभाव से घर का वातावरण हमेशा पवित्र बना रहता है। जिन लोगों को बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसों की कमी बनी रहती हो, ऐसे लोगों को ये उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी भगवान को अति प्रिय है। ध्यान रहे दोस्तों, सूखी तुलसी की जड़ों का ही प्रयोग करें, हरी तुलसी का प्रयोग न करें और पूरी विधि विधान के साथ भगवान के चरणों में रखकर कुमकुम और चंदन का तिलक लगाकर तिजोरी में रखना चाहिए। इससे इसकी चमत्कारिक दिव्य और अलौकिक शक्ति बढ़ जाती है जो सभी दोषों का निवारण करने में सक्षम होती है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में ओम नमो नारायण जरूर लिखें।